हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे वीडियो के नीचे हमारे एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था। उनका नाम है लॉयन मार्क जी। वो कमेंट में पूछते हैं, सर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि क्या ब्रॉयलर मुर्गी अंडे देती है, तो जितने भी वीडियो मैंने देखे उन सब में यही बताया गया है कि ब्रॉयलर मुर्गी अंडे नहीं देती। तो सर, मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर ब्रॉयलर मुर्गी अंडे नहीं देती तो ब्रॉयलर का चूजा कहाँ से आता है और ब्रॉयलर के अंडे कहाँ से आते हैं। सर, मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। कृपया करके या तो इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाइए या मुझे कमेंट बॉक्स में ही जवाब देने का कष्ट करें। आपसे एक मेरी छोटी सी गुजारिश है। देखिए, अगर आपको भी लॉयन मार्क के जैसे मन में सवाल उठ रहे हैं कि ब्रॉयलर की मुर्गी अंडे नहीं देती, फिर भी ब्रॉयलर का अंडा कहाँ से आता है और फिर अंडा ही नहीं आता तो फिर उसके चूजे कहाँ से आते हैं, तो इसी सवाल का जवाब मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पीडीएफ ईबुक का हम इंट्रो देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ईबुक देख रहे हो, अगर इस ईबुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ईबुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रूडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। देखिए, ब्रॉयलर की मुर्गी अंडा नहीं देती, ये सच है या झूठ? पूरी तरह से ये बात झूठ है। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉयलर की मुर्गी अंडे देती है, बाकी मुर्गी के जैसे ही ब्रॉयलर की मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी वेट 6 महीने की जब ये मुर्गियां हो जाती है तो इसका मुर्गा और मुर्गी काफी ज्यादा हैवी वेट होने के वजह से नेचुरल तौर पर ये एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग नहीं करा पाते। इसीलिए जो भी बड़े बड़े ब्रीडिंग स्टॉक ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के रखे जाते हैं वहां पर AI टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। AI टेक्निक का मतलब आर्टिफिशियल इंसिमेशन। आर्टिफिशियल इंसिमेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से जो भी मेल ब्रॉयलर का स्पर्म होता है वो निकाला जाता है वो और उसको इंसिमेट किया जाता है फीमेल ब्रॉयलर को। तो इस तरीके से जब आर्टिफिशियल इंसिमेशन करके हम क्रॉसिंग कराते हैं तो नेचुरल तरीके से जो भी फर्टिलिटी हमें अंडों में मिलती है उससे कई गुना ज्यादा आर्टिफिशियल इंसिमेशन करने के बाद हमें फर्टिलिटी मिलती है। यह सबसे बड़ा फायदा होता है आर्टिफिशियल इंसिमेशन का। और नेचुरल तरीके से ब्रॉयलर मेल फीमेल के साथ क्रॉसिंग नहीं करा पाता, इसके लिए उनको आर्टिफिशियल इंसिमेशन ही कराना होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप बोलते होंगे कि ब्रॉयलर की मुर्गी अंडे नहीं देती है तो यह सबसे बड़ा मिथ आपके मन में बैठा हुआ है, तो इसको आप दूर कर लीजिएगा। बाकी जितने भी पेरेंट स्टॉक हम पालते हैं, जैसे कि गावड़ान मुर्गी का हो गया, कड़कनाथ मुर्गी का हो गया, उसी तरह से ब्रॉयलर का भी पेरेंट स्टॉक पाला जाता है, लेयर मुर्गी का भी पेरेंट स्टॉक पाला जाता है। जो भी VV300 की मुर्गियां पाली जाती है वो कमर्शियल तौर पर हमें सफेद अंडा देती है, उनके भी जो चिक्स हमें चाहिए तो उनके लिए भी जो ब्रीडर स्टॉक होते हैं वो भी AI टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंसिमेशन का ही तरीका अपनाते हैं। जो भी ब्रॉयलर का ब्रीडर स्टॉक या फिर पेरेंट स्टॉक होता है वहां पर बड़े बड़े पैमाने पे टेम्परेचर कंट्रोलर कोल्ड रूम बनाए जाते हैं। वहां पर वो लोग 3 दिनों तक अंडे को स्टोर कर सकते हैं ताकि 4th दिन इकट्ठे में वो हैचरी में इस्तेमाल उन अंडों को कर सके। साथ ही साथ जैसे ही ये ब्रॉयलर की मुर्गी, ब्रॉयलर का जो भी ब्रीडर स्टॉक होता है 20 हफ्ते का हो जाता है, तो वहां पर उन लोग ग्रेडिंग कराते हैं, जो भी अंडरवेट मुर्गियां होती है उनको बाहर निकाल देते हैं और जो भी प्रॉपर एवरेज वजन वाली मुर्गियां होती है उनको आगे में प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। जैसे ही ब्रॉयलर की मुर्गी 24 हफ्ते की हो जाती है तो तकरीबन वो अंडा देने के लिए प्रॉपरली मानी जाती है। तो 24वें हफ्ते में जो भी ब्रीडर स्टॉक के लोग होते हैं वो उसका आर्टिफिशियल इंसिमेशन कराते हैं और आर्टिफिशियल इंसिमेशन कराने के 3 दिन के बाद वो उससे प्रॉपरली फर्टाइल अंडे हैचिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्रॉपरली सब काम होता है। जिस तरह से बाकी ब्रीडर स्टॉक या फिर पेरेंट स्टॉक को पाला जाता है उसी तरह ब्रॉयलर का भी पेरेंट स्टॉक होता है। तो आपके मन से बिल्कुल भी डाउट निकाल दीजिए कि ब्रॉयलर मुर्गी अंडा नहीं देते। इस तरह से आर्टिफिशियल इंसिमेशन का सहारा लेके ब्रॉयलर मुर्गी फर्टाइल अंडे देते हैं और यही फर्टाइल अंडे हैचिंग मशीन में लगा के हमें चूजे मिलते हैं। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।